फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन की दुनिया। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बैठते हैं। अच्छा, तो टाइम हो गया जी 1:15 और मेरी आँख खुली थी 12:45 में, क्योंकि रात को मैं ज़रा लेट सोई थी और नींद भी नहीं आ रही थी। और आपको पता है, जब नींद नहीं आ रही होती तो कैसे बंदे से सोया जा सकता है? नहीं ना सोया जा सकता, इसलिए ऐसा हुआ। तो फिर आज वो आप देख रहे होंगे मेरी हालत क्या बनी हुई है, क्योंकि अभी तक मैं फ्रेश नहीं हुई, क्योंकि मैं हमारे घर का पानी भी अभी तक नहीं आ रहा। कल बारिश हुई थी, मैं कल से नहीं आ रहा, तो आई होप सो थोड़ी देर में आ जाएगा। कहा तो आया, तो अब हम थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए मुझे ना, वैसे बहुत से लोगों ने कहा कि क्या हो गया सुमन, तुमने अपने रंग को क्या कर लिया है, सारा ब्लैक कलर कर लिया है, मतलब डल हो गया कलर जो है ना मेरा, डल हो गया। तो मुझे लगता है अपने फेस के लिए मुझे ना वो करने की ज़रूरत थी। क्या बना, एक मिनट, अनाज फेस पे क्या है करने की ज़रूरत थी, थोड़ा ट्रीटमेंट नहीं है स्टफ। क्या बोला तूने, एक पहले क्या बोला, चल ग्लो। हाँ ग्लो, ये नहीं याद आ रहा था। हाँ कहा तो था मैंने ये। अच्छा चलो, तो अब हम थोड़ी सी चीज़ें लेके हैं, तो हम उसको यूज़ करेंगे और थोड़ा सा वाइट होने की कोशिश करते हैं, रेडी होते हैं फिर हमने कहीं जाना है। चले ठीक है, पहले सबसे हम चीज़ें तो बहुत लेके हैं, पता नहीं लगानी कैसी है, कौन सी लगानी है, क्या ये नहीं कि मैं लगाती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे अब किसी ने कहा कि ये ऐसे ऐसे लगाओ फिर लगा लो, ठीक है। और मुझसे ज़्यादा तो रंग इसका ब्लैक हुआ है, टर्न चेक करें, वाइट हुआ है। हाँ यार, तुम उससे ज़्यादा वाइट हो गया शोस। चले लगाए शुकी, चलो तुम तो वाइट हो, तुम्हें क्या जरूरत है लगाने की, फिर भी तो ले होता है, फिर भी एहतियात लाजमी है। एहतियात लाजमी है, एहतियात में बाहर भी ना निकला करो ना, धूप से रंग काला होता है तुम्हारा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले क्या करें, अच्छा पहले हम क्या लेके आएंगे, मैं पहले सबकी मशहूर नहीं है ये जी, ब्लैक मास्क। इससे क्या होता है, इससे देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ये। तुम बताओ, मुझे जाना नाम नहीं याद आ रहा उसका, इससे क्या था, क्या कहते थे वो, ब्लैक हेड्स। हाँ वो ख़त्म होते हैं, ठीक है। और ये है जी ब्लीच। ब्लीच इसको लगाने से इंसान का रंग गोरा हो जाता है, ऐसे ही मैंने सुना है। और वो भी हो जाता है, गोल्डन भी हो जाता है रंग। ये मैं सोच समझ के लगानी है ये ना। अच्छा तो ये है जी गोल्डन मास्क। ये आपको किसने कहा था, खोलो, ये नहीं खोलना, ये जी गोल्डन मास्क। तो इसको लगाने से भी रंग गोरा हो जाता है। और ये जी गोल्डन पर अर्जेंट फिशल। और जो फिशल होता है ना, मम्मा एक तोड़ी देना। अच्छा के लिए हाथों से 3 मिनट के लिए मसाज कर, फिर 4 मिनट के लिए गोल्डन पर। अच्छा जी, इससे भी यही होता है कि अर्जेंट, मतलब जिसने शादी पे जाना होता है, जिसने पार्टी पे जाना होता है, जिसने अपने दोस्त से मिलने जाना होता है, तो वो जल्दी जल्दी अर्जेंट कर ले, ताकि वो अर्जेंट में वाइट हो सके। पहले मेरी बारी, फिर आप लगाना, ठीक है, मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, और सब लगाने के बाद एंड में ये क्रीम यूज़ करें तो आपका रंग गोरा हो जाएगा। वाओ, क्लैपिंग। ऐसे लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते श्रो साहब, गलत लगाया सारा तुमने। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चेक करें श्रोस को। श्रोस क्या कर रहे हो? फिशल कर रहा हूँ। क्या हुआ? क्या फिर क्या हुआ? मैं क्या फिशल कर रहा हूँ, फिर क्या हुआ? मुझे कौन शर्म आती है, हम तो रोज थोड़ी करते हैं। शर्म नहीं आ रही है करते? नहीं, शर्म आती है, हम रोज करते हैं। समझ रहे हो आप? अच्छा, तुम महीने में कितनी दफा करते हो? महीने में एक बार। वाकई? हाँ वाकई में। इसलिए तुम्हारा रंग ऐसे काला हो? आप रोज करते हो? किसने कहा? फिर चले बस करें, बाजू वाइट होगी आपकी, बस करें। अब हम जा रहे हैं अकेडमी, और अकेडमी जाने से पहले मैंने आपको श्रोस का और अपना कलर दिखाना है, हम कितने वाइट हो गए हैं, अब हम फैशन शो जलवे में जा सकते हैं। हाँ श्रोस, ओ मैं आपको ज़्यादा नहीं लग रही है?
चले अब हम जा रहे हैं एकेडमी, भैया एकेडमी के टाइम हो गया और हमें आज डांट भी पड़नी है और हम आधा घंटा लेट हैं पूरा एकेडमी से। जी फ्रेंड्स, अब हम एकेडमी से फ्री टाइम होके आ चुके हैं और ये फिर मेरी जान इसने छोड़नी, तो आज अभी हम जा रहे हैं गिटार क्लासेस का पता करने अपनी गिटार की तार सुनवाने। चलो इसको पीछे रख, तो ओ वाओ बैठ गया। अच्छा तो हम क्या जा रहे हैं गिटार क्लासेस का पता करने जा रहे हैं कैसर बहबूद, और वहाँ उन्होंने बुलाया था तो मैं कह रही हूँ उससे पहले पहले हम इसकी तार भी डलवा लें, वो ये ना कहें कि टूटी हुई लेके फिर रहे हैं, तो ये भी डलवाने जा रहे हैं। अब अल्लाह करे कि इसकी तार वहीं से डल जाए, नहीं तो हमें पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। चलें चलते हम, और इसका बैग भी नहीं है वो भी फट गया सारा। चले शुक्रिया। ओए श्रोस बंद करो ज़रा, इतनी दूर जाना है फिर ये ना हो यार सारा मुंह फिर मिट्टी से भर जाएगा, फिर हमें फेशियल करना पड़ेगा। मास्क वगैरह है तेरे पास मुंह पे डालने में? शायद है। क्या है? मेरा दे दे जो भी है इसको, मैंने कहाँ है ऐसे लेके जाऊँ यार आपको इतना भी, ये रखो ऐसे डालो ऐसे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पर फिर पावा मुझे भाई, नहीं इतनी मुश्किल से मैंने फेशियल किया है और इतने पैसे लगाए हैं और मैं फिर काली हो जाऊँ, ऐसे नहीं ना। क्या कर रहे हो बच्चों आप, हमें देख रहे हो? ये भाई तो मेरा दोस्त है जिसने पकड़ा। ये आपका दोस्त है? ये जो जिसने ये पकड़ा, जिसने ये पकड़ा ये आपका दोस्त है? वाह रोज कितने प्यारे। ओ नहीं नहीं नहीं, बच्चों को कुछ नहीं कहना, स्टॉप, कुछ नहीं कहता कुछ नहीं कहता, इधर आओ। किस किस का दोस्त है ये? वाजू अच्छी बात है, मेरा भी ये दोस्त है धोखे बाद दोस्त। चले हम जब स्टार्ट करोगे ना तब मैंने मिट्टी के सामने जाना है, फायदा कोई नहीं होना। वो साहब ने जिद की थी कि मैंने ट्रेन की पटरियाँ देख ली हैं, जैसे कि इसने कभी ट्रेन की पटरी देखी ना हो। हाँ जी देख ली है, क्या है ये? और यहाँ से अगर ट्रेन आ गई तो फिर वो देख कितनी ज़्यादा, ये सारी पानी में नहा के जा रही है, वो वाले पहन के, वो वाले पानी में जाए पानी के पास चिरस। नहीं क्यों, यहाँ ही है। नहीं ना, नहीं आती ट्रेन यार, देख ले शुकी। वाओ यार यहाँ तो एक तस्वीर बनती है। यहाँ पुलिस वाले आए थे वो देख, पुलिस वालों को हमने क्या कहा? बाय बाय पुलिस वाले। हम क्या, अच्छा कहा तूने है कि मैंने देखनी है, मैं आ गई हूँ तो मेरी दफ़ा पुलिस वाले, बड़ी बात है यार। श्रोत आज से ही पानी के पास चले, ले गंदा पानी है कह रहे साफ है, यहाँ सारी नहा के गई हैं ये सारी, वही गंदा, आजा चले। हाँ देख ली है, अब ट्रेन के ऊपर बैठ रहे, रुक जाए इधर कि तू ट्रेन के ऊपर बैठा के तुझे इस्लामाबाद भेज देते हैं। इस्लामाबाद क्या करना है, जा मड़ी घूम के, और तूने क्या करना है? मड़ी घूमा है, मड़ी बहुत मड़ी अजीब जगह नहीं है, मड़ी के लोग अजीब हैं, खुश्क लोग हैं जिसे कहते हैं ना खुश्क लोग, वो है। यहाँ घर होना चाहिए सुकून दे जगह में, ना के गलियों में होना चाहिए। उफ, ये सुकून दे जगह जो ट्रेन आती है लगवा जाती। चल चल वो बंद ना करके चला जाए, ये ना हमारी गिटार की तार भी रह जाए और फिर क्लासेस का भी टूटना रह जाए। चलते हैं फिर। ओके दूर आए हैं मगर फ़ायदा कोई नहीं हुआ, जहाँ पे आए हैं वो जगह भी बंद है, और ये छोटे छोटे बच्चे मिल गए हमें, ये कह रहे हैं कि आपने किसी के घर म्यूज़िक बजाना है। म्यूज़िक कहाँ पे, क्या कह रहे हो? हाँ किसी हुसैन के घर म्यूज़िक बजाने के लिए आए हो तो हमारे साथ चलो, हमें घर का पता है। ये कहाँ है उसका घर, कहाँ पे है? अच्छा इधर जाके इधर, हम उनके घर म्यूज़िक बजाएं जाके। अच्छा उन्होंने म्यूज़िक वालों को बुलाया है, तो आपको क्या लगता है वो हम हैं? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। नहीं आपको गलत फहमी हुई है, वो हम नहीं है। तो जी अब हम क्या फायदा, कोई फायदा नहीं हुआ इतनी दूर आने का, तो वैसे भी जगह भी बंद है, और मैंने श्रोस को इसलिए कहा था जल्दी चलो जल्दी चलो, दरअसल मेरे पास टाइम भी नहीं ना होता, टाइम से आओ अकेडमी के बाद टाइम भी इतना बचता है, और वो 5 बजे का बंद हो चुका है। चलें अब क्या कर सकते हैं, हम जब रास्ते में आ रहे थे तब भी आधे लोग हैं, वो जाके दिखाओ वो जाके दिखाओ, हले सानू आप नहीं आँधी की वो जाके वहाँ उन्होंने,
और कोई लोग तो मैंने गलती से रुमाल के ले लिया, तौबा। रुमाल तारे जरा, कौन है आप तारे? क्या नीचे से कोई क्या मखलूक निकलनी है कोई? आदी हो भैया। चलिए हम अपने व्लॉग का करते हैं इधर ही इख्तिताम। सो आप हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।